हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हम लोग देखने को भी हमको मिलता है कि जो एनर्जी का है वो कंजर्वेशन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। इक्विवेलेंटली वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। ये हो गया इसका एक स्टेटमेंट कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि बाहर से ना तो एनर्जी को लेना ना बाहर एनर्जी को देना। वो हो गया आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसका बाहर से कोई लेना देना नहीं हो। बाहर इन द सेंस मान के चलिए कि आपका कोई एक बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर की एनर्जी अंदर ही रहेगी, बाहर की एनर्जी बाहर ही रहेगी। अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती और बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, मतलब एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स, राइट। अब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। कॉन्स्टेंट मतलब कि न तो कम होती है न ज़्यादा होती है, जितनी थी उतनी उतनी ही रहेगी, इसका मतलब ये होता है। तो अगर अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो देखिए, यहाँ पे अपने पास में एक हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है उन पावर प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग जैसे पहला वाला जो डायग्राम है, ये वाले डायग्राम के अंदर अगर अपन देखें, फर्स्ट वाले डायग्राम में, तो देखिए इसमें यहाँ पे मैंने एक एनिमेटेड जो है डायग्राम दिया हुआ है और सेकंड वाले मैंने आपको रियल केस दिखा रखा है कि इस टाइप से रियल इसका फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अपन ये वाला देखते हैं, पहला वाला डायग्राम ये अपना, और ये हो जाएगा अपना सेकंड वाला डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक रिजर्वायर है, यानी कि एक मोटे मोटे तौर पर उसको अगर आप समझे तो एक डैम बना हुआ है। डैम क्या कर रहा है, पानी को इकट्ठे करे जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए पानी का लेवल क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब पानी का लेवल जब बढ़ रहा है तो पानी को नीचे वाले एक गेट से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गेट से क्या हो रहा है, पानी को हाई प्रेशर के साथ में या फिर हाई वेलोसिटी के साथ में, ये जो टर्बाइन है इस टर्बाइन से टकराया जाएगा पानी को। और जब ये टर्बाइन घूमने लगेगा तो टर्बाइन से कनेक्टेड ये ऊपर जनरेटर है, ये भी घूमने लगेगा। और जनरेटर जब घूमेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसको पावर हाउस में सप्लाई कर देंगे और पावर हाउस के थ्रू आगे अपन भेज देंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसके जो वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा करने का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती है, लेकिन अपने को मेन जो देखना है वो ये देखना है कि यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है तो ये पानी के अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पानी की हाइट क्या होती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है डैम के हिसाब से, क्योंकि डैम यहाँ पे बना हुआ है तो पानी ऊपर तक इकट्ठे होते जाता है। यानी कि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि इनिशियल केस के अंदर देखें तो पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब पानी को एक हाई वेलोसिटी के साथ में टर्बाइन से टकराया जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काई में कन्वर्ट हो गई आपके काइनेटिक एनर्जी में। मतलब पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो वेलोसिटी से, मतलब जब पानी मूवमेंट में आने लगा, मोशन में आ गया, तो जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई आपकी काइनेटिक में। अब उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी इस टर्बाइन से टकरा रही है। इन शॉर्ट अगर अपन ये समझे तो टर्बाइन से टकराने के बाद में क्या हो रहा, मैकेनिकल हो रहा है। तो मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूसर हुई वो कौन सी हो गई, मैकेनिकल। यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई काई में मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। टर्बाइन घूम रहा है, टर्बाइन यानी कि एक मशीन है, मशीन मतलब आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट देगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। अब उसके बाद में ये जो टर्बाइन है ये किसको घुमाएगा, आपका जनरेटर को घुमाएगा, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी काई में कन्वर्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, करेक्ट। तो देखिए कहाँ से ट्रांसफॉर्म होते हुए आई, पानी की पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ भी हम लोग बहुत सारी एनर्जीज में करते हैं। हम लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हम लोग इवन हीट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में हम इसको और कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था एक एनिमेटेड फॉर्म, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो इस तरीके से दिखता है आपका। जैसे ये देखिए यहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं वाले, यहाँ से क्या होता है कि काफ़ी हाई प्रेशर से पानी आएगा हाई वेलोसिटी के साथ में, और नीचे टकरा के क्या करेगा, टर्बाइन्स घुमाएगा, और ये पूरा एक स्टेशन बना हुआ है। इस स्टेशन के अंदर ये पूरा का पूरा तामझाम आपका लगा रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है। ना तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं एनर्जी को, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, हम और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।